पूरा देश पूरा भारत जानता है, सोनू सूद भाई, रणदीप हुड्डा, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है सब वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, तेरी तरह नहीं है, समझ गया। लेना हिंदुस्तानी भाव को, ले लाइन पहले आज, चल ले ले बे, ले एक ले। मिनट सुन, हाँ ये सुन, मेरे लाइव पे ये आया, रणदीप हुड्डा आया, रुक मेरे, रणदीप हुड्डा लाइव पे आया, रुक मैं लेता हूँ, वेट, कट करो, ऐड करो आज। रणदीप हुड्डा कॉल पे आया, रणदीप हुड्डा लाइव पे आया है, रणदीप हुड्डा कॉल पे आ, ले ले लाइव पे ले, तेरे को मैं बताता हूँ, आज भाई है वो हमारा, रणदीप हुड्डा कॉल पे आ, हमारा भाई है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन कर रखा पूरे बॉलीवुड में, कर रखा नहीं कर रखा, तू बता मेरे को। नहीं वो है, लेकिन वो पता नहीं वो लाइव पे क्यों नहीं आ रहा है, रणदीप हुड्डा वो भाई कॉल तेरी पे आ, नहीं आएगा ओए हुड्डे, रणदीप हुड्डे कॉल पे आ, वो। हेलो भाई को सर बोला कर, रणदीप हुड्डा भाई को सर, हमारे लिए बहुत बड़ा भाई हमारा रणदीप हुड्डा भाई। ओए ओए मत कर, अरे तो वो मुझसे छोटा है, मेरे बेटे की उम्र का है वो। बेटे की उम्र का नहीं है, हमारे हरियाणा की शान है, स्टार है हमारा भाई, भाई के बारे में गलत नहीं, रणदीप हुड्डा भाई हमारा, सर बोला कर, आप कर भाई सकते हो इतना सर। मस्का मार रहा है बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए, कितना मस्का तू वायरल है बॉलीवुड में, तो वैसे वायरल हूं मैं, क्या बॉलीवुड में मस्का मार रहा हूँ, कौन नहीं जानता तो ये बता। मारेगा तुझे ऐसा लग रहा है, ये बता वीडियो देखकर रणदीप हुड्डा तुझे बुला लेगा बॉलीवुड मैं नहीं कहता मेरा भाई मेरे को बुलाए, मैं नहीं बोलता कि मेरा भाई मेरे को बुलाए, मेरा काम बोलता है मार्केट में। में, थारा भाई जोगिंदर का काम बोलता है, काम काम बोलता है पूरे देश में, समझ गया। अगली बार सोच समझ के बात करना, और बॉलीवुड की क्या धमकी दे रहा है, आ जाना बॉलीवुड में, चल 1 साल के अंदर आके दिखाऊं तेरे को मैं, बता आके दिखाऊं क्या हो गया। भाई बॉलीवुड में तुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरी लाइव में आकर जो थोड़ा बहुत तू फेमस होगा ना, मेरी लाइव में आकर मुझे लगता है वही तेरे लिए बहुत बड़ा ये होगा सक्सेस, तू क्योंकि बॉलीवुड ये बात तो में तू फेमस है, मानता है। मैं तेरे को सल्यूट करता हूँ, तू बॉलीवुड में फेमस है, चल तू मेरे से बड़ा है, तेरी इज्जत करता हूँ, तू करोड़पति है, अरबपति है, तेरे पास बॉलीवुड के ऊपर आते हैं, तूने बहुत सारी साउथ की मूवी को ठुकराया है, ठुकराया नहीं ठुकराया, ठीक है बहुत बड़ा है यार। एक बात ये बता, हमें भी तो कोई जानता होगा, हम भी तो किसी के काम आते होंगे, नहीं आते होंगे, जो तू मेरे को बोल रहा मस्का मार रहा बॉलीवुड में जाने के लिए, बता, जा नहीं, नहीं सकते, तुझे जानते हैं, तुझे कौन जानता है पता है क्या, कौन जानता है, सपना चौधरी के घर में जो खाना बनाता है ना, सपना चौधरी के घर में जो खाना बनाता है, उसके नीचे के नीचे का जो नौकर है ना, हाँ वो जानता होगा, अरे किसी से है पूछ ना, थारा भाई जोगिंदर, नाम इतना खतरनाक है ना, कि इतना फाड़ है, पब्लिक के कान सुन जाते नाम सुनते जाते, इतना नहीं है, दीपक हलाल अच्छा मुझे एक बात बता, बता। सब लोग तुझे थारा भाई छछुंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि तेरी शक्ल छछुंदर जैसी है इसीलिए। और तेर को छक्का क्यों कहते हैं लोग, तू छक्के जैसी है, तो बहुत बोलने लगा रे, अभी तक बता तो मेरी इज्जत कर रहा था, अभी तो तू बहुत चटर मटर बोल रहा है, बता, तेरे को डर नहीं लगता है मैं तुझे नीचे बिठा दूंगा, मेरे पास एक बटन है उसको कहते हैं डिस्कनेक्ट, ओ तो गुरुजी तू तो बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, अरे मौज कर दी, हाँ कुछ कर दी, तो अभी तूने मुझे छक्का बोला है, तो अभी मैं वो बटन डिस्कनेक्ट का दबा दूंगा और तुझे नीचे टट्टा बना के लटका एक दूंगा। काम कर, चल वरदान है, अभी मैं वो जोगिंदर बटन जो है, है ना मैं वो तो जाऊं डिस्कनेक्ट इतने सारे करता लोग हूँ, जुड़ गए, पहले तेरी लाइक 500 लोग क्योंकि देख रहे थे, यही अबे तेरी औकात है, रुक मैं औकात तुझे तेरी डिस्कनेक्ट है, करता औकात हूँ, तेरी है, ये औकात तेरी है, बात ओए कुछ ये आ, देख जोड़ में ही, जोड़ के अंदर ही गिर गिर के मारूंगा, घुसंडी घुसंड, लाती लात, दह थप्पड़, दहला दह घुसंड, दह मुक्के, दह ठीक कोड़ी, है, चिल्लाने चल की आवाज बात, नहीं आएगी, तुझे अभी मैं इतनी इज्जत उतारी मैंने, तेरी पानी के अंदर इतनी इज्जत उतारने की आवाज उतारी, नहीं आएगी, पानी इतने के अंदर घुसा घुसा के सोचना मारूंगा तेरे को, ओगी, पानी के अंदर सोचना मारूंगा इज्जत से, ओगी, बाहर आवाज नहीं निकाल आएगी, चिल्ला निकाल, जाएगा कुत्तों की तरह, पर आवाज नहीं सुनेगा तेरे को, बावली पानी तरेड़, बावली गैंड, बावली तरेड़, बहुत फुदक रहा था, लोगों का हराम का पैसा खा गया, निकल गया, और अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहा है, 18 करोड़ का इंजेक्शन एक लड़के को देना चाहता था, वही 18 करोड़ में हजारों लोगों की जान बचती है, बहुत से लोग 1,500 के लिए हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, और ये 18 करोड़ का इंजेक्शन एक लड़के को देना चाहता था। जितनी भी मेरे मुरीद है उनको मैं यही कहूंगा कि आप ये जोगिंदर के अकाउंट में पैसे मत डालो, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको मदद मिले, तो मैं आपको मेरा पेटीएम नंबर देता हूं, आप उसमें पैसे डालो ताकि इंडिया के ज्यादा लोग बच सके। मेरा पेटीएम नंबर है